नमस्कार दोस्तों, योर UPSC में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कार्गो फेरी सेवा शिप। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। कार्गो फेरी सेवा भारत के तूतीकोरण जो कि तमिलनाडु में, कोचीन जो कि केरल में, माल उन बंदरगाहों से सीधी मालदीव के दो बंदरगाह कुल दूहू फूसी और माले बंदरगाहों के साथ में जुड़ेगी। इस पहल से आवाजाही में और परिवहन में और उनकी लागतों में कमी आएगी। इस बंदरगाह को जोड़ने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल MCP लीज का उपयोग किया जाएगा। ये मेरे द्वारा तो इतना ही टाइप करके लिखा गया है, तो अब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ने के लिए अखबार के आर्टिकल की भी मदद लेनी चाहिए। ये अखबार का आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है, ये जीवित से लिया है, भारत और मालदीव के बीच में सीधी कार्गो शिप शुरू, कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। तो भारत की ओर से भारत और मालदीव के बीच में सीधी कार्गो शिप शुरू की गई है। इस सेवा के शुरू होने से भारत की एक्सपोर्ट को काफ़ी सहूलियत मिलेगी या कुछ सुविधा मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख मांडविया और मालदीव के परिवहन नागर विमानन मंत्री एसठ नाहुला ने भारत और मालदीव के बीच में सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के शुरू होने से एक तरफ जहां दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे, दोनों देशों के बीच कारोबार भी बढ़ेगा। इसका संचालन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा होगा। पहली यात्रा के दौरान 3,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाज तूतीकोरण से कोची जाएगा, जहाँ से उत्तरी मालदीव जो कि कुल्लू डूफूसी बंदरगाह है, फिर माले बंदरगाह जाएगा और 26 सितंबर तक कुल्लू डूफूसी बंदरगाह और 29 सितंबर तक माले पहुँचने की संभावना है। और ये सेवा भारत द्वारा ये चलाई जा रही है, ये सेवा दो बार चलेगी, एक महीने में दो बार चलाई जाएगी। और इससे चलने से मालदीव और भारत के बीच में सीधी और सस्ती ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू होगी। और शिपिंग मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि भारत और मालदीव के बीच संबंधों में एक मील का पत्थर साबित हो गई है। और यह सीधी कार्गो सेवा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाकर भारत और मालदीव के बीच संबंधों को मजबूत करने में काफ़ी काम आएगी। और इसी के साथ में अब आपको इसके बारे में डिटेल में तो समझ में आएगा, पर अब हम बात करते हैं कि मालदीव के बारे में और उसके मानचित्र के बारे में। पहले मालदीव का देखते हैं। ये मालदीव का नक्शा है, मालदीव का झंडा है। और मालदीव की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे मालदीव स्थित है और श्रीलंका के भी नीचे है। और ये मालदीव एक द्वीप समूह है, क्योंकि इसमें लगभग 1900 के लगभग द्वीप हैं, उनको मिलके एक पूरा देश का रूप देश बनाया, मतलब उसको बहुत सारे द्वीपों से मिलके बनाया, इसलिए इसको द्वीप समूह कहते हैं। और इसकी अब राजधानी की बात करें तो माले इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल की बात करें तो 297.8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दूसरी अगर बात की जाए, एक मिनट
यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली। और मुद्रा कौन सी चलती है? मालदीव रुपिया। जनसंख्या कितनी है? 515,696, जो कि विश्व बैंक की 2018 की जनसंख्या के अनुसार है, जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार है। वैसे तो हम मानचित्र की चर्चा कर चुके हैं, और फिर भी एक बार गूगल मैप में सर्च करके देखा है तो मैं से बता देता हूँ आपको, ये भारत की स्थिति है और ये अपने भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, और ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मालदीव है जो लगभग इस तरीके के डिजाइन में बना हुआ है। इसमें बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको द्वीप समूह बोलते हैं। ये मालदीव देश है जो कि भारत के सापेक्ष इसकी स्थिति है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो अब आपको मालदीव के बारे में पता चल गया होगा, तो अब आगे बात करते हैं। हाल ही में एक मुख्य न्यूज समाचार ये भी रहा है कि रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का भी आज के दिन कोरोना से निधन हो गया। मैं आज मेरे इस वीडियो में आए हुए पहले कमेंट की बात चर्चा करूँगा, तो ये कहना चाहूँगा, आपका जो कहने का सेंस जो भी है, चाहे मजाक में हो चाहे सपोर्ट के रूप में हो, पर आपके इस तरह के मैसेज से, इस तरह के कमेंट से मेरे को वीडियो बनाने की क्या बोलते हैं उत्साह मिलता है। और दूसरी बात, मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी से जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से भी पहले पूछा कि कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आपका कोई जवाब नहीं आता, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ कि जो किसी को पसंद भी आता है और ज़्यादातर को तो नापसंद ही आता है। चलो कोई नहीं, पर आप धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव करूँगा। और साबिया गुस्से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से कमेंट करके थोड़ा उत्साहवर्धन करते रहे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और मेरी कोशिश भी थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद नहीं हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।